Hello everyone, I'm here again with a new video on uh, general science questions. This is the first part of my hundred questions on general science. So, first question is Trachoma disease is a disease related to eyes. It's a bacterial disease. Bacterial disease or is my it is the main cause of blindness worldwide. ओके बट इट इज़ प्रिवेंटिव इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है ओके नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ दीज फोर इंसेक्ट्स विच इज़ नॉट अ पैरासाइट पैरासाइट क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड और न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं तो मस्कीटो लाउस हाउस फ्लाई और लीच इनमें से हाउस फ्लाई जो है वो पैरासाइट नहीं है ऑल अदर्स आर पैरासाइट्स नेक्स्ट इज़ डिफ़िशियंसी ऑफ विच सब्सटेंस कॉजेज एनीमिया किस सब्सटेंस की डेफिशिएंसी से अनिमिया होता है एनीमिया मीज़ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड ओके खून की कमी जिसको जनरली कहते हैं हिंदी में तो आयरन uh, की कमी से होता है एनीमिया आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है एलिमेंट और हीमोग्लोबिन uh, बनने के लिए आयरन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इसलिए कहते हैं कि हमें आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खानी चाहिए जिससे हम एनीमिक नहीं होते हैं नेक्स्ट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द नेम ऑफ विच वाइटमिन एस्कॉर्बिक एसिड वाइटामिन सी का नाम है ओके इसका केमिकल नेम है वाइटामिन ए का नाम है रेटिनोल वाइटामिन बी का नाम है थायमिन, वाइटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड एंड वाइटामिन डी का नाम है कैलसीफुर इनके केमिकल्स नेम केमिकल नेम्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में नेक्स्ट इज क्विनिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट क्विनिन जो है ये फीवर के लिए यूज़ की जाती है एंटीपायरेटिक भी है ये और ये मलेरिया के अगेंस्ट भी यूज़ की जाती है ओके okay. सो so, ये एक्सट्रैक्ट की जाती है सिंकोना प्लांट के बार्क से बार्क मीन्स स्टेम की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज बार्क और सिंकोना बार्क से क्विनिन एक्सट्रैक्ट की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्क्स एज ब्लड बैंक तो ब्लड बैंक कौन से ऑर्गन को कहते हैं तो राइट आंसर इज स्प्ली स्प्लीन को क्यों कहते हैं बिकॉज इट स्टोर्स वेरियस काइंड ऑफ ब्लड सेल्स ओके स्प्लीन जो है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ह्यूमन बॉडी में और इसका फंक्शन होता है कि ये ब्लड को भी प्योरीफाई करता है एंड इट स्टोर ब्लड सेल्स और uh, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन आर रिब्स एंड स्टमक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी ओके नेक्स्ट इज फूड इज़ स्टोर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन और फ्लोएम तो फूड जो है अब आप सोचेंगे जल्दी से जल्दी लोग आंसर करने के जल्दी में क्या करते हैं कि फ्लोइम पढ़ेंगे और फ्लोएम पे टिक लगा देंगे ऐसा नहीं है क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो फ्लोइम की हेल्प से फ़ूड बनाते हैं ओके फ्लोइम इज़ अ टिश्यू लेकिन जो फूड होता है दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज़ स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन ओके तो प्लांट्स के बारे में जब भी पूछा जाए तो आंसर इज स्टार्च नेक्स्ट इज़ विच आउट ऑफ दीज इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़ डायरिया लेप्रसी स्मॉल पॉक्स और टाइफॉइड तो जैसे आपको पता होगा कि डायरिया जो है वो बैक्टीरियल है ओके okay, बैक्टीरिया से कॉज होता है डायरिया ओके नेक्स्ट इज लेप्रसी कुष्ठ रोग है ये भी बैक्टीरिया से होता है टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है दैट इज़ अ वायरल डिजीज सो आर आंसर विल बी स्मॉल पॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आई इज़ डोनेटेड ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एक्चुअली सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो वी नीड टू रिमेम्बर ऑल दीज क्वेश्चन आई का कौन सा पार्ट है जो डोनेट किया जाता है आइरिस लेंस कॉर्निया और रेटिना तो आंसर इज कॉर्निया कॉर्निया कौन सा पार्ट होता है आई का जो आ, आउटर कवरिंग होती है जो आई की ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग दैट इज़ नोन एज कॉर्निया और इसका काम होता है टू फोकस द लाइट ओके नेक्स्ट इज़ वॉइस बॉक्स इज द कॉमन नेम ऑफ वॉइस बॉक्स के बारे में लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था uh, तो वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं लेर को ओके okay. और लैरिंग्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ओके दैट्स इट इज नोन एज वॉइस बॉक्स विच ऑर्गन इज कॉल्ड द हीट रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ आर बॉडी हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है जो शरीर की हीट को रेगुलेट करता है मेंटेन रखता है दैट इज़ हाइपोथलमस हाइपोथलमस इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन जितने भी रेगुलेटिंग सेंटर्स हैं आपको पता है हमारा ब्रेन ही है जो रेगुलेट करता है सारे बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट भी करता है तो जो भी पार्ट हैं वो सारे ब्रेन में ही हैं ओके okay? जो भी हमारी जैसे हमारी हार्ट बीट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है तो ब्रेन का पार्ट है हमारे शरीर जो भी रिएक्शंस कर रहा है जो भी स्टिमुलाई बाहर के स्टिमुलाइज को रिएक्ट कर रहा है इंटरनल स्टिमुलाइज को रिएक्ट कर रहा है वो सारा ब्रेन ही करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्लाइवा सिक्रेटेड पर डे स्लाइवा क्या होता है स्लाइवा हमारे माउथ की सिक्रेशन होती है ओके और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड तो हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना स्लाइवा सिक्रेट होता है दैट इज़ वन पॉइंट फाइव लीटर्स ओके नेक्स्ट इज एच वन एन वन इज़ अ फ्लू विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस फंजाई और नन एच वन एन वन के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा ये फ्लू है ये वायरल डिजीज़ है मेडुला ओब्लोंगेटा इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट ब्रेन किडनीज और नन मेडुला ओब्लोंगेटा जो है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं मेन ठीक है फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन तो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सहरी बैलम के पास ये प्रेजेंट होता है और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी uh, सिस्टम को कंट्रोल करता है ठीक है ब्रीदिंग को ये भी क्वेश्चन बहुत बार आस्क किया जाता है एग्जाम्स में कि ब्रीदिंग को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल uh, करता है दैट इज़ मेडुला ऑब्लोंगीटा साक वैक्सीन इज़ यूज फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट साक वैक्सीन किसके लिए यूज़ होती है पोलियो के लिए ओके okay. पोलियो की ड्रॉप्स जो बच्चों को ओरली पिलाई जाती हैं या इंजेक्ट की जाती हैं दे आर साक वैक्सीन नेक्स्ट इज रेटिनोल इज़ नेम ऑफ विच वाइटमिन ये अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि रेटिनोल वाइटमिन ए का केमिकल नेम है आपको सभी कैम इनके वाइटमिन्स के केमिकल नेम्स लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये बहुत मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो आपका ओके नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज़ ऑप्टेन फ्रॉम अ फंगस बैक्टीरिया वायरस और प्लांट एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं ठीक है तो इसका आंसर है फंगस तो एक फंगस होती है पेनिसिलियम नोटेटम उससे ये पेनिसिलिन बनाई जाती है इसकी तरह यूज़ होती है नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन फॉर टाइफॉइड फीवर टाइफॉइड फीवर के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है इनमें से आंसर इज़ विडाल टेस्ट ओके एलाइजा जो है ये एड्स के लिए किया जाता है ओके नेक्स्ट इज नेम द वैक्सीनेशन विच इज़ गिवन टू अ न्यू बॉर्न आफ्टर बर्थ और विद इन ट्वेंटी एट डेज ऑफ बर्थ उस वैक्सीनेशन का नाम बताओ जो ड्यूरिंग बर्थ दी जाती है बच्चा जैसे पैदा होता है उसको दी जाती है दैट इज़ बी सी जी ओके लास्ट क्वेश्चन इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड आप सबको पता है इज़ लीवर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज पैनक्रियाज ओके सो ये क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन थे मेरे फर्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन लेके आऊँगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ वॉच माई वीडियो Uh, share my video and uh, subscribe my channel thank you so much